पहुंचो। आज हम लोग क्लास थ्री का मैथ्स पढ़ेंगे। तो आज हमारा चैप्टर सेवन का असाइनमेंट डिस्कशन है। तो ये चैप्टर आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट आपके पास है, आप असाइनमेंट को निकाल लें और मेरे समझाने के उपरांत आप इस असाइनमेंट को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन का हम लोगों क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलेक्टेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन जो डैश पे सीधा आप लंबा देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिवाइड, डिवाइडेड बाय या डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, व्हाट इज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारा क्या होता है, उसका आंसर हम लोग लिखेंगे, द नंबर एबव द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। मतलब वैसा संख्या जो कि लाइन के ऊपर में लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। जैसे कि हमारा फॉर्मूला हुआ, तो यहाँ पे जो सेलेक्टेड पार्ट्स जो हमारा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हम लोग लिखना है, द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। मतलब वैसा संख्या जो कि लाइन के नीचे लिखा हुआ होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये डिनोमिनेटर हमारा कहां पे आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होता है वही हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स नंबर, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन एंड सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब हम लोग को फ्रैक्शन का एक उदाहरण लिखना है, एक एग्जाम्पल देना है और उसमें ये बताना है कि उस एग्जाम्पल में हम लोग न्यूमरेटर कहां पे लिखेंगे और डिनोमिनेटर हम लोग कहां पे लिखते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखे फ्रैक्शन, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखे थ्री डिवाइडेड बाई सेवन। तो ये जो थ्री है ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, क्योंकि लाइन के ऊपर में लिखा हुआ है तो ऊपर में जो पार्ट आता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं। और ये जो सेवन है ये हमारा लाइन के नीचे लिखा हुआ है तो सेवन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, राइट ई वन फोर्थ टू फोर्थ थ्री फोर्थ। मतलब कि हम लोग एक एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पे और उसमें बताना है कि वन फोर्थ को हम लोग कैसे लिखते हैं, टू फोर्थ को हम लोग कैसे लिखते हैं और थ्री फोर्थ को कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ वन फोर्थ, तो ये जो वन लिखा हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे न्यूमरेटर हो जाएगा जो कि हमारा ऊपर में चला जाएगा, और ये जो फोर्थ है ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा जो कि हमारा नीचे में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वन बाई फोर, वन फोर्थ के लिए, टू फोर्थ के लिए टू बाई फोर, थ्री फोर्थ के लिए थ्री बाई फोर। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन नंबर, राइट द फ्रैक्शंस। मतलब अब इसका हम लोग क्या लिखना है, फ्रैक्शंस लिखना है। सेवन का ये ए नंबर है, फ्रैक्शन एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेलेक्टेड पार्ट्स होता है, ठीक है। तो इसमें सेलेक्टेड पार्ट्स हमारा क्या होगा, मतलब वैसा प्रोपोर्शन हम लोग को देखना है जो कि सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें कौन सा पोर्शन सेलेक्ट है, वन टू थ्री फोर। ये वन टू थ्री फोर क्या हुआ, ये टोटल नंबर ऑफ फिगर है, मतलब ये पूरा फिगर का संख्या कितना है, चार है, ठीक है। इसमें सेलेक्टेड पार्ट्स देखना है, तो फिगर नंबर वन सेलेक्ट किया हुआ है, फिगर नंबर टू सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, टू डिवाइड बाय, उसके बाद पूरा फिगर को हम लोग गिन लेते हैं कि पूरा फिगर हमारा कितना है, फोर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू बाई फोर, ठीक। इसी प्रकार से इसका बी नंबर भी बनेगा, उसको आप लोग बना खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, सर्कल द फ्रैक्शन विच शोज हाफ। मतलब ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हम लोग उस फिगर को सर्कल करना है जो कि हाफ दिखाता है, फ्रैक्शन का हाफ पोर्शन है, ठीक है। तो ये एट का ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रायंगल का सीधा हाफ पोर्शन करके क्या किया गया, इसको सेव कर दिया गया। बी नंबर हाफ पोर्शन पे नहीं है, इसको हम लोग सर्कल नहीं करेंगे। सी नंबर भी हाफ पोर्शन पे नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सर्कल नहीं करेंगे। लेकिन डी नंबर को हम लोग सर्कल करेंगे, क्योंकि यह एक सर्कल का हाफ पोर्शन किया हुआ है, या फिर मान के चलिए एक गेंद है और उसको क्या किया, हाफ पोर्शन करके इसको सेव कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर वन टू एट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अब क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा, सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन।
मतलब कि हम लोग को करेक्ट फ्रैक्शन को देकर उसमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो उसके लिए एक फिगर दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग इस फिगर को समझना पड़ेगा और नीचे हमारा कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इस फिगर को समझने के बाद इस फ्रैक्शन में हम लोग को क्या करना है, सर्कल करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ बॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ बॉल्स दिया हुआ है, उसको हम लोग सबसे पहले मतलब काउंट कर लेते हैं। जब हम लोग काउंट करेंगे पूरा फिगर को तो वो हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। तो हर एक फ्रैक्शन में हमारा नीचे वाला पोर्शन क्या है, 6 है, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, ठीक है। अब न्यूमिनेटर की बारी आती है, तो न्यूमिनेटर में हम लोग को पता है कि जो न्यूमिनेटर में हम लोग कैसे देखते हैं कि जो सेलेक्टेड पार्ट है वो हमारा क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि दो बॉल में क्या किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है, तो दो बॉल बॉल पे क्या है, सेलेक्ट किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन क्या हमारा निकल करता है, 2/6। तो 2/6 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। हम लोग सबसे पहले सारे फिगर को काउंट कर लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर हम लोग को पता चल जाता है, वो हमारा सभी कॉमन है। उसके बाद जो भी पोर्शन हमारे यहाँ पे सर्कल किया हुआ वो हमारा क्या है, न्यूमिनेटर है, ठीक है। उसको देखकर हम लोग यहाँ पे सर्कल कर लेंगे तो उससे हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 9 का बी नंबर दिया हुआ है, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा सॉल्व, मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग को हल करना है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 of 14, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/2 of हमारा क्या चीज में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 14 का हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि 2 के टेबल में 14 हमारा कितने बार में आता है, तो 2 के टेबल में 14 हमारा 7 टाइम्स आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 × 7 = 7, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। मतलब कि ये पोर्शन और ये पोर्शन को क्या करना है, डिवाइड करके देखना है कि कितने बार में वो हमारा कटता है, जितने बार में भी कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सर्कल द फ्रैक्शन विथ न्यूमेरेटर 5, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरेटर 5 को हम लोग को खोजना है और जहां भी न्यूमेरेटर 5 हमारा मिलेगा उसको क्या करेंगे, हम लोग सर्कल कर देंगे। हम लोग को पता है कि न्यूमेरेटर हमारा हमेशा ऊपर में होता है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है, उसमें देखना है कि न्यूमेरेटर ऊपर में 5 कहाँ पे है, 2/5 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 5 कहाँ है, ये 5 हमारा डिनोमिनेटर में है और ये ऊपर में जो 2 है ये हमारा क्या है, न्यूमेरेटर है। तो 5 कहाँ है ऊपर में, तो 5 हमारा यहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे है, तो 5/9 को हम लोग क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे क्योंकि ऊपर में 5 है। उसके बाद यहाँ पे सर्कल कर देंगे 5/5 क्योंकि ऊपर में 5 है, न्यूमेरेटर 5 हम लोग को ढूंढना था, तो ये दो क्वेश्चन को हम लोग सर्कल कर देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को सेम करना है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या कह रहा है, 8, मतलब इस सारे फ्रैक्शन में हम लोग को देखना है कि डिनोमिनेटर में 8 कहाँ पे है, ठीक है, मतलब नीचे वाले पोर्शन में 8 कहाँ पे लिखा हुआ है, 2/8 नीचे 8 है, इसको हम लोग सर्कल कर देंगे। 6/5 नहीं हो सकता है, 9/2 नहीं हो सकता है, 6/1 नहीं हो सकता है, 9/9 नहीं हो सकता है, सिर्फ हमारा क्या सर्कल हो जाएगा यहाँ पे, 2/8 क्योंकि 8 हमारा डिनोमिनेटर में है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा असाइनमेंट नंबर 7 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।